40 दिनों बाद खत्म हुआ सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी का प्रदर्शन। टी न्यूज लाइव ने पहले भी प्रमुखता से उठाया था मुद्दा। पिछले 40 दिनों से सुपरटेक इको विलेज वन हाउसिंग सोसाइटी के निवासी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इस दौरान उन्हें काफी विपत्तियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी निवासी पीछे नहीं हटे। उनकी समस्याओं को अब 40 दिनों बाद सुन लिया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें स्थानीय विधायक तेजपाल नागर के जनप्रतिनिधि और बिल्डर के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जो भी निवासियों की मांग थी, उन पर करीब 4 घंटे तक लंबी चर्चा हुई और समाधान निकाला गया। अब गुरुवार को ACP रमेश पांडे, विसरक कोतवाली के SHO अनिल राजपूत और तेजपाल नागर के जनप्रतिनिधि दीपक यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन को समाप्त करवाया है। प्राधिकरण में हुई बैठक में सोसाइटी के लोगों की समस्याओं को लेकर बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बातचीत हुई। इस बैठक में RK अरोड़ा की तरफ से नीतीश अरोड़ा बैठक में पहुंचे। उनके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के OSG सौम्य श्रीवास्तव, ACP रमेश पांडे और NPCL की तरफ से मीटिंग में पहुंचे। करीब 4 घंटे तक निवासियों और अधिकारियों के बीच लंबी मीटिंग हुई। इसके बाद इन समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई।